कैसे हो सुम? अकेले अकेले खा रहे हो? अकेले अकेले खा रहे हो बताओ, सारा लंच बॉक्स लेके चला। इनफैक्ट बताओ, इस सबको भूखे रखे हो? देखो इधर मूर्ति सूर्ति इधर भी खड़ा है। इतना खाने के पीछे राज, इतना खाने का राज भैया खत्म नहीं हो रहा है कि जबरदस्ती खिला रहे हो? मेरे तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो क्यों खा रहे हो? अच्छे नहीं थे, पेटू बैठा है क्या दोनों? अच्छा बनाने वाली है ना, इन लोगों को कोई बनाने वाली अभी दे रहा हूँ ना। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में कुछ यूनिक करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का कल से ना मिडसेम है, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत लोग बच्चे तो बहुत कमाएंगे, ना के बराबर, इनफैक्ट बहुत कम, मुझे नहीं लगती इस दिन ज़्यादा होगी। तो हमें तो मैं इसलिए जा रहा हूँ भाई, क्योंकि घर रूम पे रहते रहते मुझे नींद आती हो जाता खतरनाक वाली। और कॉलेज के अंदर भाई सोना क्या सोगे, बहुत सोचते हो फिर 2-3 मिनट 5 मिनट सो सकते हो, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ पर पढ़ने के लिए मुझे बेस्ट वही लगता है कि वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बहुत कम बच्चे होंगे बट कुछ अच्छा ही होगा, तो चलो चलते कॉलेज। उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा आज मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट होने वाला आज का, क्योंकि बच्चे कम होंगे तो ऑब्वियस ही बात है बहुत कुछ ज़्यादा देखने को मिलने वाला है मुझे। सबसे पहले हम चलते बस स्टॉप पे, क्योंकि हमारे बस स्टॉप पे आजकल 5 मिनट पहले बस निकलने लगी है, तो बस लगी होगी। सबसे पहले बस पर चलते, उसके बाद देन कॉलेज पहुँचने के बाद जो इन्जॉय होगा वो आप देखते रहना, बहुत अच्छा होने वाला आज के ब्लॉग के अंदर में, बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है। मुझे ना कॉलेज पहले आने का थोड़ा सा बेनिफिट मिला, मतलब आज ना ऐसा हुआ रेंडम, मतलब हम बस में जब बैठे तो एक हमारे साथ बैठने वाले मतलब दोस्त ही बोले, मेरे क्लासमेट तो नहीं है बट वो जैसे मतलब किसी और बिल्डिंग के थे, बट बीटेक के स्टूडेंट थे, बट वो ना आज ड्रेस में नहीं थे, ब्लैक टी शर्ट में थे। कहानी थी, आज ही हुई मेरे साथ, और ब्लैक टी शर्ट था तो मेरा मन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगा, भाई ब्लैक टी शर्ट पहन के क्यों जा रहे हो, मतलब थोड़ा सा अजीब अजीब लिखा वर्कशॉप, मैं समझ नहीं पाया। फिर बोले क्लब जा रहे हैं, तो मैं सोचा क्लब वो वाला क्लब, मैं गाना भी आने लगा माइट क्लब ऐसा, मैं मुझे गाना वाना गाने लगा मैं तो थोड़ा सा। फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो मतलब क्लब का मतलब एक गाड़ी बना, मतलब ऐसे रेसिंग गाड़ी बनाते हैं। तो हम मैं बोला भैया मुझे दिखाओगे? बोले ठीक है दिखाऊंगा। तो मैं उसी को देखने के लिए आ गया और आपको भी दिखाने है कि मतलब बहुत इंटरटेनिंग लगा ये पार्ट मुझे, मतलब सुन के। और मैं अपनी बस मतलब हमारी अभी क्लास टाइम से बहुत पहले बस आई है, तो हम चलते उस बस वर्कशॉप के अंदर में, और आपको वो कार दिखा रहे जो रेसिंग कार है। तो सबसे पहले मुझे बस में जो मिले थे ना जो भाई, वो हम मुझे पता आज ये टी शर्ट नहीं पहने होते ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता टी शर्ट पहने, तो इसी यही टी शर्ट सबसे बड़ा मेरा रीज़न बना था जो मुझे देखना पड़ा। और इन्होंने सच में मुझे मजाक लगा था, मगर इसके अंदर जब मैं आया ना सच में एक गाड़ी देखने को मुझे मिला, ये वर्किंग कंडीशन में, अभी वर्किंग कंडीशन है, मतलब अभी चला के देखें तो और मज़ा आएगा भाई। मैं एक्सप्लोर करता हूँ इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि ये गाड़ी तो ऐसे बनी नहीं होगी, और ये बहुत सारा डिजाइनिंग उजाइनिंग किया हुआ, इसका पैसा भी कहीं से ना कहीं आया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मतलब मुझे मजाक लगा था भाई, अब जब मैं सीरियसली देख रहा हूँ ना तो बिलीव भी नहीं हो रहा है, बट इन्होंने बोला कि वर्किंग कंडीशन में है भैया, बोले वर्किंग कंडीशन में। तो भैया सबसे पहले चला के देखिए मुझे, मुझे देखता है चलते हुए देखना है। चला के दिखाई भैया, सबसे पहले मुझे चलते हुए देखना चाहिए, आप बोले वर्किंग में है तो कंडीशन में है, बट मुझे एक चीज़ लगाना है जिसमें हम लोग ऑलवेज सेफ्टी प्रिकॉशंस के लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड किल स्विच। मुझे 2 मिनट समय दे, मैं किल स्विच। ओके ओके लगा, कोई बात नहीं, मतलब वर्किंग कंडीशन में 2 मिनट कोई बात नहीं, 2 मिनट में कोई इशू नहीं है। ओके रेडी टू गो? भाई मुझे बस देखना था ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं ये गाड़ी, मतलब भाई आप सिंपल सा फंडा ये माउंट पे चलने वाली गाड़ी, क्योंकि व्हील्स देखोगे तो ये बड़ी बड़ी है, तो ये एरिया इसके लिए कंफर्टेबल जोन है ही नहीं, कहीं भी लड़ जाएगी, कहीं बहुत सारी दिक्कतें जाएंगी, तो इसके लिए है नहीं। बस मुझे वर्किंग कंडीशन देखना था इसलिए बोला भैया को चलाने के लिए। बाय द वे ये मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में, और ये इनफैक्ट गेट भी छोटा है तो इसमें निकल भी नहीं सकता, ये व्हील व्हील खोल के निकालना पड़े, तो फिर ये निकले तो चला देख लूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, बट भाई वर्किंग कंडीशन में है। और थैंक यू भाई, इन लोगों ने मतलब क्या एक नया चीज़ इन्वेंट कर दिया। भैया इसको बनने में क्या खर्च आई होगी, क्या कॉस्टिंग आई होगी, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? सो हाय एवरीवन, दिस इज माइक्रास बिफोर यू ऑल, और मैं अभी क्लब का हेड मेंबर हूँ,
सो इस गाड़ी को बनाने में ऑलमोस्ट करीब 7 लाख के आसपास खर्चा आता है, डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर। तो 7 लाख आते कहाँ से? सो 7 लाख में हमारे कुछ कॉलेज फंड करते हैं, अच्छा, कुछ हमारे एलुमनाई नेटवर्क है वो फंड करते हैं, अच्छा, समटाइम्स हम लोग स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी दूसरी जगह जाते हैं, अच्छा, तो स्पॉन्सरशिप्स भी हमें मिलता है और हम लोग कुछ भी खुद से भी फंड करते हैं, मतलब पर्सनल फंडिंग भी होती है। तो कितने लोगों की टीम से ये बनती है, मतलब दो लोग तो होंगे नहीं? ये जो गाड़ी है टोटल 30 लोग की टीम से बनती है, 30 लोग मेंबर होते हैं। इस क्लब का जो नाम है वो है ऐसे ही क्लब सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, जो भी हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं एज अ प्रैक्टिकल इंजीनियर वो यहाँ के सारा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हम ये गाड़ी बनाते हैं। सो दिस इज अ ATVC ऑल टेरेन व्हीकल्स, मेनली हम लोग बाहा के लिए पार्टिसिपेट्स करते हैं फॉर, जो कि इंदौर प्रीतमपुर में होता है, और ये हमारा बग्गी देख सकते हैं 4x4 व्हील ड्राइव। ये बग्गी मतलब सिंपल सा मतलब देखा, ये वर्किंग कंडीशन में सबसे अच्छी बात है भैया ने, जब ये बाहर निकलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि बाहर निकलने की बहुत सारी परमिशन चाहिए होगी, बिना परमिशन की तो बाहर निकलेगी नहीं, अभी ये घर के अंदर जी सकता है ये, तो परमिशन होगी जब निकलेगी बाहर तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। और भाई बहुत अच्छा इन्होंने किया और मुझे जल्दी आने का बेनिफिट मिला कि मैं ये सब चीज़ देख पा रहा हूँ। भाई दाई कोई और तो नहीं देख पा रहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ कॉलेज के अंदर देखने को मिले ना, तो बहुत अच्छी बात होती है। मतलब भाई जब बीट पढ़ रहे हैं यहीं पे सब चीज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या चाहिए भाई, इन लोग नहीं अगर प्लेस्ड होगी तो हम लोग प्लेस्ड होंगे भाई, यही लोग तो प्लेस्ड होंगे जो खुद से वर्किंग में है, वर्क कर रहे हैं और इस चीज़ को मतलब प्रिपेयर मतलब दिखा भी रहे हैं लोगों के सामने कि हाँ हम ये चीज़ कर चुके हैं। सबसे डिफिकल्ट काम अभी हमें ई बिल्डिंग से मेन में जाना, एप्लीटिव रीजनिंग का जो सेमिनार चल रहा है वो TMP चलेगी, TMP के अंदर जाना है पढ़ाई करने, क्योंकि मैंने तो यहाँ रिकॉर्ड करने आ गया था और मैं आधे घंटे पहले आया था, थोड़ी सी वो लॉक वॉक नहीं खुली थी इसलिए थोड़ी देर हो गई, बट मैं जल्दी ही आया था और मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि जल्दी मैं जाऊँ, भाई ये भी गेट बंद है, मैं इसी से आया था, अब मैं किधर से जाऊँ मुझे खुद नहीं पता, इधर मैं कभी आता होता नहीं हूँ, इधर का कोई रास्ता उस्ता भी नहीं पता मुझे। ये वाली वर्कशॉप थी भाई वहाँ पे रिकॉर्ड, मतलब अच्छा लगा भाई मुझे पहले आने का ना, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि मुझे देखने को मिला कि कॉलेज के अंदर ये सब भी चीज़ होते हैं, मेरे तो पहले ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था कि भैया बनाए होंगे, जब अंदर देखे खुद से देखे तो भाई ट्रस्ट होना सिंपल था, वरना भाई ट्रस्ट हो गई। हम सबसे पहले अभी जल्दी चलते अपने TMP के लिए, नहीं तो डांट ना सुननी पड़ जाए, और भी कुछ देखने को मिलेगी तो मैं जरूर आपको दिखाऊँगा। मैं तो जल्दी में हूँ, कैमरा को करता हूँ बंद और जाता हूँ सबसे पहले TMP। फाइनली अपन आज ना क्लास कंप्लीट कर लिए, जो भी लंच के पहले क्या लंच के बाद जो TMP लगी है वो बंक कर रहे हैं, क्योंकि कल में हम लोग के एग्ज़ाम है भाई, तो पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, तो पढ़ाई के लिए TMP भी बंक कर रहे हैं, और थोड़ी सी मेन बिल्डिंग गए थे कुछ एडमिशन को लेकर पूछने, उसके बाद बस पकड़ेंगे, फिर 3:30 की बस से निकल जाएंगे, बस तो लगी है हमारे कैंपस में, मगर अभी कैंपस में कोई पकड़े तो मेरे कार्ड सब छीन लेंगे, तो अपने ध्यान से अपने मतलब अपने रिस्क पर मुझे जाना है, नहीं तो कोई पकड़े तो सारे चीज़ छीना जाएंगे, फिर फंसूंगा मैं ही, और कार्ड कहाँ से मिलेंगे नहीं पता, इराज सर के पास चला जाता है भाई, तो उसके बाद मिलने उलने वाला है नहीं, तो अभी सीधे घर के लिए निकलता हूँ और कुछ पढ़ूंगा, क्योंकि कल एग्ज़ाम देने आना भी है। बस यही था फाइनली, जो भी वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया, क्योंकि आज पहले आने का नतीजा ये भी था कि कुछ अच्छा चीज़ भी देखने को मुझे मिला। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।